कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब? तो लीजिए, आज फिर मौजूद हैं आपके पास पढ़ने और पढ़ाने की इस खूबसूरत महफिल में, सीखने और सिखाने की। तो बात आज हम लोग फिर वही करने वाले हैं जो पिछली क्लास में हम लोग बहुत बेहतर तरीके से सीखने का काम किया था और समझने का तो प्रयास बिल्कुल ही किया था। मुझे उम्मीद है कि उस चीज़ को आप देखे होंगे और समझे होंगे। तो आइए, अब वक्त हो चुका है आपको एक उसी से रिलेटेड एक दायरे के साथ मिलने और मिलाने का, तो गौर करना है। चलिए, अब हमारे सामने जो स्क्रीन पर पेश हुआ आपके लिए जो कायदा बोलता है, पहले इसको समझ लिया जाए। बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। क्या बोलता है? सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, इसकी क्या पहचान होती, आपके साथ हमने बिल्कुल बेसिक लेवल पे हमने इस वीडियो को पहले लेक्चर में काम कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सुपरलेटिव डिग्री पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। तो कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री की बात अगर हम जिक्र करना चाहें अदर का, तो क्या यह बात अपने आप में सही है? समझना इस चीज को है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री बात हम जिक्र करना चाहें अदर की, तो इस कंडीशन में हम हमेशा और हमेशा अदर को हटा लेते हैं। क्या करते हैं? अदर को हटा लेते हैं। हमने क्या सीखा कि अगर सुपरलेटिव डिग्री के बाद किसी भी एरर में आगे चलकर हमें अदर का जिक्र किया गया, मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको क्या करना है कि अदर को हम हटा लेंगे। क्या कर लेंगे? अदर को हटा लेंगे। अब कैसे काम करता है उसके लिए एक एग्जांपल आपके लिए ले लिया जाए, तो गौर करना है। अब आपके लिए जो ही एग्जांपल हम लिए हैं इस पूरे खेल को समझने के लिए, जो कायदा हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आता है, उसी कंसेप्ट पर मैंने एक एग्जांपल आपके लिए समझने के लिए लिया है। तो पहले हम एग्जांपल पे काम करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहता है। रांची इज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर सिटीज इन झारखंड। मतलब क्या होता है कि झारखंड में हमारे जितनी भी शहर हैं, एक से दो जितनी भी शहर हैं, शहरों की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक शहर की नहीं, बहुत सारे शहरों की बात हो रही, चूंकि सिटी नहीं सिटीज कह रहा है, यानी एस जुड़ता हुआ, यानी प्लूरल है, यानी एक से ज़्यादा शहर है। मतलब झारखंड में जितनी भी शहर है उन सभी शहरों में से रांची हमारा बेस्ट सिटी है। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मीनिंग के साथ साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस पूरे कायदे में जो यूज हमने करना सीखा है वो क्या अपने आप में सही है, तो सीखना इसी को है। तो चलिए, हमारे सामने पढ़ने का प्रयास करते हैं रांची। तो आगे जब मिलता है तो हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आता है सुपरलेटिव डिग्री। इसको बेस्ट को हम क्या बोलने का काम करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री। क्यों? क्योंकि हमारा बेस्ट एक तरीके अपने पे सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है। और आपको मालूम है कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर EST जोड़कर दे दिया जाए तो वर्ड अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री का रूप ले लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हमारे सामने ये खेल समझ में आ रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री हमारे सामने जुड़ता हुआ मिल गया। तो जब बात आगे बढ़ने का काम करते हैं, जैसे हम आगे बढ़ने का काम करते हैं, तो आगे हमारे जुड़ता हुआ नजर आता है अदर। क्या करता है? अदर। अब थोड़ी सी यहां पे रुक जाना है। रुकने का मतलब नहीं कि बिल्कुल रुक ही नहीं जाना, बस तजुर्बा को समझना है। अब देखते हैं कि कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम अदर का जिक्र बिल्कुल और बिल्कुल गलत माना जाता है, तो इस कंडीशन में हम अदर को हटा लेंगे। क्या कर लेंगे? अदर को हटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यही सीखा कि सुपरलेटिव डिग्री के अदर का जिक्र नहीं किया जाता है। अब आपको ऐसे एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो मिलते हैं एक और कायदे और कानून से, तो गौर करना है। अब जो हमारे सामने एक नया कायदा आपके जुड़ता हुआ आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने का तो प्रयास बिल्कुल ही करेंगे, तो गौर करना है। बोलता है कि अगर मच के बाद, गौर करना इस बात को है कि अगर मच के बाद हम जिक्र करना चाहें अनकाउंटेबल नाउन की, या ऐसे समझना है कि अगर किसी भी एरर में अगर जिक्र किया गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन, ये अनकाउंटेबल नाउन क्या होती, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है चूंकि मैं इसकी चर्चा आपके साथ पहले ही कर चुका हूँ, तो गौर करना है कि अगर हमें किसी भी एरर में अनकाउंटेबल नाउन का जिक्र किया हुआ मिले, तो उसकी क्वांटिटी की संख्या को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मच का। क्या करते हैं? मच का। कोई दिक्कत हमारे साथ नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी में, तो हमारा बोलता है कि किसी भी एरर में अगर हमें जिक्र किया गया काउंटेबल नाउन की और काउंटेबल नाउन की संख्या बताने के लिए अगर हम यूज करेंगे, तो उसके लिए हम क्या लाएंगे? मैनी का। क्या करते हैं? मैनी का यूज करते हैं, तो कोई दिक्कत हमारे साथ होने वाली बिल्कुल नहीं है। अब इस पूरे खेल को दो एग्जाम्पल ले लिया जाए आपके लिए, तो गौर करना है। चलिए, अब इसके लिए हम दो एग्जांपल आपके लिए पेश किए, तो पहला एग्जांपल पे पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या बोलता है? रोहन एट मच एक्स।
तो गौर करना इस बात का है कि जो हमारे सामने ये जुड़ता हुआ कायदा नजर आता है उसकी यूज कैसे हुई इस पूरे एरर में। तो हमारे सामने जब यहाँ पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आगे हम बढ़ने का काम करते हैं तो हमारे सामने एक्स जुड़ कर दे दिया। तो ये जो एक्स हमारा प्लूरल के सेंस में आया तो कैसा नाउन है, प्लूरल है, तो यानी इसको हम काउंटेबल नाउन के रूप में बोल सकते हैं, इसको हम गिन सकते हैं। तो अब इसी को संख्या बताने के लिए, इसी तजुर्बा को बताने के लिए जो यूज हमने किया वहाँ पर मच का यूज किया गया, तो क्या इस बात की इजाजत देती, जी नहीं, चूंकि आपकी स्क्रीन पर देख ही रहा होगा कि मच का हम जिक्र तभी करेंगे जब आगे चलकर अनकाउंटेबल नाउन का जिक्र हो। लेकिन मच का तो यूज हुआ लेकिन आगे हमारा जिक्र क्या किया गया, काउंटेबल नाउन, यानी इस कैटेगरी से हमारे यहाँ दायरा गलत हो गया। अब ये जो गलत हो गया तो सही क्या हो सकता है, तो करना क्या है कि हमारे सामने काउंटेबल नाउन है तो आपको मालूम है कि काउंटेबल नाउन के लिए हम क्या लाते हैं, मैनी, यानी मच की जगह हम क्या कर लेंगे, मैनी कर लेंगे, तो कोई दिक्कत हमारे होने वाली नहीं है। तो बढ़ते अगले एग्जाम्पल पे, तो बोलता है रोहन एट मैनी मीट। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल बोलता है रोहन एट मैनी मीट, ठीक है। तो हमारे सामने रोहन के बाद आगे जब हम बढ़ने का प्रयास करते हैं तो मीट हमारा अपने आप में क्या है, काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन है, सॉरी, इसके लिए हमारा मीट कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। जब हमारा बात हमारी अनकाउंटेबल नाउन को होती है इसी की चीज़ को बताने के लिए हम क्या जिक्र करते हैं, मच का, लेकिन हमारे सामने क्या दे दिया गया, मैनी का, तो इस बात को हम यहाँ पे क्या करना है, गलत कर लेना है। इस कंडीशन हम सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, मच का कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मच, क्योंकि हमारे आने वाला जो भी हमारा नाउन हुआ लेकिन वो कैसा नाउन हुआ, अनकाउंटेबल हुआ, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम जिक्र करते हैं मच का। आपको दिक्कत हमारे वाणी होने वाले नहीं है, ये पूरा कायदा हमारा इसमें काम कर गया। ये तो हमारा दो कंसेप्ट, दो एग्जांपल था। अब जो तीसरा एग्जांपल आने वाला है इसी के रिलेटेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो गौर करना, हमारा तीसरा एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, चलिए, अब जो हमारे सामने तीसरा एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि रोहन एट मैनी एक्स, आगे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है मीट। तो हमारे सामने एक्स जो दिया है ये अपने आप में क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो उसके लिए हमने जिक्र किया मैनी का, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो इसी पे खेल कर रहे हैं। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ने का काम करते हैं तो हमारे सामने मीट अपने आप में क्या सेंस लाता है, अनकाउंटेबल नाउन, इसको हम गिन नहीं सकते। तो अब सोच रहे कि सर इसके लिए तो अभी हम दो एग्जाम्पल लिए थे, ये तीसरे एग्जाम्पल की क्या जरूरत है, बिल्कुल है, चूंकि दो एग्जाम्पल में आपने एक सेपरेट समझाने का काम किया था, मच का अलग काम किया और मैनी का अलग काम किया। लेकिन किसी एरर में क्या कर सकता है कि आपको दोनों दे सकता है, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी एरर में अनकाउंटेबल के साथ साथ काउंटेबल नाउन का भी जिक्र किया जाए, तो घबराने वाली बात नहीं है। बस आपको क्या करना है कि आपको मालूम है कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या लाना, हमारा यहां पे मच लाना। तो आपको किसी एरर में मैंने सिखाने का काम किया, दो एग्जांपल आपके लिए कांसेप्ट था, लेकिन तीसरा एग्जांपल ये एरर के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी एरर में हमारे सामने काउंटेबल नाउन का जिक्र और अनकाउंटेबल नाउन को दोनों का जिक्र कर देगा, तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। बस उसके लिए हम जरूरत के अनुसार मैनी लाएंगे और यहां अनकाउंटेबल तो उसके लिए हम क्या लाएंगे, मच लाएंगे, तो कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, एक और दायरा से मिलते हैं, तो देखना है। चलिए, अब एक नया दायरा हमारे सामने कायदे के रूप में उभर कर आया है आपके स्क्रीन पे, तो गौर करना है। क्या बोलता है कि ऑल की बात कर ले हम, एनी की बात कर ले और मोस्ट की बात कर ले, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सभी के बाद आगे हमारा जिक्र किया जा रहा है अदर का। क्या कर रहा है, अदर का, तो समझना इस बात को है कि अगर इन तीनों के बाद, इन तीनों के बाद अगर हम जिक्र ना कर चाहें अदर का तो कर सकते हैं, लेकिन कैसे, समझना इसी खेल को है कि इन तीनों के बाद हम अदर का जिक्र करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है, आप हमेशा और हमेशा उसको अदर के रूप में यूज करेंगे, अदर्स के रूप में नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लूरल है तो अलग से एस लगाने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम में क्या कर सकता है कि अदर तो देगा लेकिन उसमें एस लगाकर दे दिया जाएगा, तो गौर करना इस बात को है कि इन सभी के बाद हम अदर का जिक्र करें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कंडीशन है कि अदर के साथ एस लगा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो हमारा गलत हो जाएगा। बस ध्यान देने वाली बात यही है, बस अब इसके लिए एग्जाम्पल ले लिया जाए, तो गौर करना है क्या होता है एग्जाम्पल, तो देखना है। अब आपके लिए जो एग्जाम्पल हम पेश किए हैं, इस एग्जाम्पल पे हम खेल को समझते हैं तो पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो देखना है। बोलता है रोहन इज बेटर देन ऑल अदर्स स्टूडेंट, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे सामने
हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आ रहा है ऑल, क्या जुड़ता हुआ नजर है ऑल, तो कोई बात नहीं। अब ऑल हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद हमारा क्या दिख रहा है अदर्स, क्या दिख रहा है अदर्स। लेकिन अदर की चर्चा हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एस लगा कर दिया, जो इस कंडीशन में बिल्कुल इजाजत नहीं है। ये सिर्फ कंडीशन जो अदर की हम कंडीशन चर्चा की, इन तीनों के साथ लागू होने वाली है। आप किसी के और के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, इन तीनों के साथ हमेशा अदर का, वो ऑलरेडी तो प्लुरल है, इसमें एस लगाकर हम जिक्र कभी नहीं कर सकते। तो ऑल तो हमारा जुट रहा है, लेकिन आगे हमारा जो अदर जुट रहा है उसमें एस लगाकर दे दिया, जो कि इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं है। यानी एस हटा लेंगे, अब ये कहानी पूरा कहानी मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली हमारे साथ, नहीं है तो बढ़ते एक और कैटेगरी से मिलते हैं, तो देखना है। अब हमारे सामने एक नया कायदा आपकी स्क्रीन पर जुड़ता हुआ नजर आता है, बहुत बेहतर तरीका से सीखना इसको। तो बोलता है कि देन के बाद आप जिक्र करना चाहें तो एनी की, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। और देन के बाद अगर जिक्र करना चाहें अदर की, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कन्फ्यूज हो रहा होगा कि सर कोई भी चीज़ का कोई एक ही जिक्र हो सकता है, ये दो वर्ड कैसे जिक्र हो सकता है। तो समझना इसी खेल को है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरी बात को आप बिल्कुल ध्यान से सुने, आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। तो देखिए, देन के बाद हम एनी का जिक्र करेंगे और देन के बाद एनी अदर का भी जिक्र करेंगे, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है कि अगर देन के बाद किसी भी एरर में, अगर देन के बाद अगर जिक्र हमारा पूरा सेंटेंस में अपना का बोध रहो, क्या हो रहा है अपनापन का बोध रहो, मतलब अपना का, तो उस कंडीशन में हम देन के साथ जिक्र करना चाहें एनी अदर का। और देन के बाद अगर किसी भी एरर में हमें पता चल रहा है वहाँ पे प्राय का, अपना का नहीं प्राय का, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देन को एनी लाएंगे और इसके बाद अपने के लिए क्या लाएंगे एनी अदर लाएंगे। अब पूरा खेल कैसे काम करता है इस कंसेप्ट को, तो इसके लिए दो ही एग्जांपल आपका यह बात पूरा क्लियर कर देगा, तो गौर करना है। अब आपके लिए एक एग्जांपल लिए हैं, पहले एक एग्जांपल पर काम करते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। तो बोलता है धनबाद इज बेटर देन एनी अदर सिटीज ऑफ बिहार। गौर करना इस बात को है कि धनबाद की तुलना हमारी बिहार से की जा रही है, तो समझना बिल्कुल इसी पर है कि ठीक है कोई बात नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर देखना है कि देन के बाद जो हम जिक्र करना चाहें एनी अदर का, वो क्या यूज अपने आप में सही या नहीं है। तो समझने वाली बात है कि देन के बाद एनी अदर का जो हम जिक्र किए वो किस सेंस में किए, क्योंकि आपको मालूम है कि देन के बाद एनी अदर का हम तभी जिक्र करेंगे कि पूरे एरर में हमें अपनापन का बोध हो, मैंने अपनापन का बोध हो, अपना घर का बोध हो, तो उस कंडीशन हम एनी अदर लाएंगे। लेकिन यहाँ पर धनबाद की जो तुलना की जा रही है वो बिहार के शहरों से की जा रही है, तो क्या अपना अपना हुआ, जी नहीं अपना बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि धनबाद की तुलना बिहार से की जा रही है, तो इस कंडीशन में अपने आप में एक प्राय का सेंस लेकर आया, तो इस कंडीशन में एनी अदर का बिल्कुल जिक्र नहीं करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप अदर हटा सकते हैं यहां पे, या इसको पूरे हटा को आप एनी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं एनी लग सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी धनबाद की तुलना बिहार से की जा रही है और बिहार अपने आप एक अपना नहीं हुआ, वो पराया हुआ। अब वो पूरा कंसेप्ट खेल समझ में आ रहा होगा, अब एक और नजरिया आपके सामने पेश होगा जो बात को आपको पूरा क्लियर करेगा, तो देखना है दूसरा एक एग्जांपल। तो देखना है अब हमारे सामने दूसरा एक एग्जांपल आपके नजरिया को पेश करने के लिए फरमाया गया है, तो गौर करना है। बोलता है धनबाद इज बेटर देन एनी सिटीज ऑफ झारखंड। अब समझना है कि धनबाद की तुलना हमारी झारखंड से की जा रही है, यानी खुद के घर हुआ, समझना इस बात को है। तो पहले इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि देन हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सारा खेल हमारा देन के बाद ही होने वाला है, तो देन के बाद हमारा क्या जुट रहा है एनी। आप समझना इस बात को है कि देन के बाद हम एनी का तो जिक्र करेंगे, लेकिन किस सेंस में करेंगे। आपको पता है कि देन के बाद हम एनी का लाएंगे जो पराया का सेंस लेकर आता है, लेकिन यहाँ धनबाद की तुलना वो झारखंड के शहरों से की जा रही है, यानी झारखंड अपना घर हुआ एक तरह से। बिहार तो बहुत ज़्यादा अपने हुआ, बिहार भी अपना ही हुआ, लेकिन ग्रामर का तजुर्बा को समझने के लिए एक थोड़ा सा नुस्खा आपके सामने मैंने पेश किया, एक कंसेप्ट को खेल को समझने के लिए कि धनबाद की तुलना झारखंड के शहरों से की जा रही, यानी अपनापन का बोध हुआ, पराया तो हुआ नहीं, इस कंडीशन में हम यहाँ पे एनी नहीं लाएंगे। अब क्या कर सकते हैं, जब इसको नहीं लाएंगे तो करना क्या है हमको, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं एनी अदर लाएंगे, यानी अपने आप में क्या लाया अपना, क्या लगा, चूंकि धनबाद की तुलना झारखंड के शहरों से करी बिहार से नहीं। पहले एग्जांपल में क्या था, बिहार की तुलना से करी थी, वो पराया का सेंस हुआ, और धनबाद अपने आप में जो है वो झारखंड की शहरों से तुलना हो रही है, यानी अपनापन का बोध हुआ, इस कंडीशन में एनी अदर कहना ज़्यादा बेटर होगा। तो कोई दिक्कत हमारे साथ होने वाली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये पूरे खेल को समझने के लिए दो एग्जांपल मैंने आपके साथ मिलकर काम किया। तो बढ़ते अगले एग्जांपल, अगले कैटेगरी पर देखने के लिए, तो गौर करना है।
तो देखना है अब एक नया कायदा हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आता है, द द प्लस कंप्लीट डिग्री। तो आपको समझना क्या है कि अगर किसी भी शुरुआत में, किसी भी शुरुआत के एरर में दे दिया जाए द प्लस कंप्लीट डिग्री, तो आगे चलकर हम जिक्र करना चाहें तो कंप्लीट डिग्री का जिक्र करेंगे। फिर वही हमारा खेल समझ में आ गया कि अगर हम बात करें अपने शर्ट की, तो सामने वाला भी तुलना हम शर्ट से ही करेंगे। मतलब यहाँ पे जब शुरू में हमको कंपरेटिव डिग्री दिखाया तो आगे चलकर हम मेंशन करना चाहें कंपरेटिव ही डिग्री का। जैसे मान लेते हैं, देखना इस बात को एक एग्जांपल में बोलता है, द हायर वी गो द कूल इट इज। समझना इस बात को है, तो हमारे सामने द के बाद क्या जुट रहा है, हाई। हाई में क्या जुट रहा है, ईआर। यानी ईआर कह देने से पूरा वर्ड क्या मान लेना हमको, कंपरेटिव डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, जब हमारे सामने शुरुआत में दिया गया कंपरेटिव डिग्री तो आगे हम थोड़ा सा बढ़ने का काम करते हैं, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम पढ़ें द कूल इट इज, तो यहां पे जो द कूल आया हुआ है ये अपने आप में क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, जो खुद के रूप में है। तो इसको आपको मालूम है कि जब हमारा शुरू में कंपरेटिव डिग्री का जिक्र किया गया तो आगे भी सेंटेंस में हम तुलना करेंगे तो कंपरेटिव डिग्री ही दिखाने के काम करेंगे। यानी इस पॉजिटिव को हम क्या बना लेंगे, कंपरेटिव डिग्री बना लेंगे। यानी पूरा कंसेप्ट हमारा खेल समझ में आ गया कि शुरुआत में अगर हमको कंपरेटिव डिग्री दिखाई मिले तो आगे भी हम सेंटेंस में दिखाने क्या काम करें, द प्लस कंपरेटिव डिग्री। तो कंपरेटिव डिग्री बना और यह द तो हमारा जुट ही रहा है, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यह पूरा बात हमारे सामने बिल्कुल कहानी क्लियर हो गया, आपके साथ मिलकर कोई दिक्कत हमारे होने वाली नहीं है। तो आज इस कहानी को, आज इस बात को आज तक हम यही रोकते हैं आपके साथ, जिस तरह से हमने बेहतर लेवल पे हमने सीखने और सिखाने के काम किया। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चीजों के, और अपने दोस्तों के साथ, जितने भी ग्रुप फ्रेंड्स हैं व्हाट्सएप, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। खूब सारा हमें प्यार दें। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।